देखते हैं तो वर्क की जो क्वालिटियां होती हैं वो बहुत एनहेंस होंगी, स्लीव्स मिल जाएंगे इसकी, हाफ स्लीव्स जनरली मिल जाएंगे, तो जरी का और धागे का वर्क इसमें आता है, बहुत ही अच्छे अच्छे ब्रांड से काम कर रहे हैं। ये डबल टोनिंग की फैब्रिक टाइप चाहिए और प्लेन चाहिए और अलग फैब्रिक्स चाहिए, टॉयज मिल जाती है, टॉपी बेस्ड फैब्रिक आता है, प्लेटिंग कलर्स भी हैं और सोबरनेस के अंदर वर्क आएगा, वर्क की वेयर की सर प्रॉपर पूरी रेंज मेरे पास अवेलेबल है। सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल अर्बन हिल को और दबाएं इस बेल आइकन को लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। तो फिर से स्वागत है आपका अपना चैनल अर्बन पर, जो मैं सनशाइन लाइफ स्टाइल जो पड़ता है उदना के अंदर। और जैसे कि भैया की खुद की मैनुफैक्चरिंग है, कोई कहने वाली बात नहीं, जनरली कहा जाता है मैनुफैक्चर हूँ लेकिन होते ट्रेडर हैं, तो भैया की अपनी मैनुफैक्चरिंग यूनिट भी है, हम आपको एक क्लिप दिखा देंगे कि किस तरह कलेक्शन होती है, भैया की प्रोसेसिंग यूनिट होता है। तो आज से किस तरह कलेक्शन सिखाएंगे आप बेसिकली, जैसे आज आगे फेस्टिव सीजन है मेनली, तो आगे शादी का सीजन है सर, आगे फेस्टिवल आ रहे हैं और शादी भी आ रही है, तो वो हिसाब से हमने डेवलपमेंट किया है काफ़ी, तो उसमें से जो मोस्टली मैंने यहाँ पे रेडी किया हुआ है। हाँ जी। और डेली क्या है, अभी मेरे स्टॉक में इन हो रहा है 4 से 5 प्रोडक्ट पर डे की इन हो रही है, पर डे इन होती है। हाँ, तो क्या है, जो भी मेरे पास जो नया है वो कलेक्शन में अभी दिखाता हूँ उनको, इसमें जो कस्टमर को मेरा स्टॉक अपडेट जाएगा। हाँ जी। वो अपने संपर्क करेंगे तो तब उनको पूरा अपडेट चला जाएगा। बिल्कुल सर, डेली नया नई चीजें अपडेट होती रहती है, आपको व्हाट्सएप के थ्रू उसकी जानकारी दे दी जाएगी क्या क्या नया बिल्डअप हो रहा है, क्या क्या नहीं। हम लोग क्या है सर, 100+ डिजाइन मंथली प्रोड्यूस करते हैं, तो हमारा टारगेट ये रहता है कि पर डे 2-4 डिजाइन, 2 से 4 के बीच में डिजाइन आती रहे। हाँ जी, हाँ जी। तो कस्टमर को डेली कुछ ना कुछ नया मिलता रहे। बिल्कुल सर, इनोवेटिव सर वही चीज होती है, क्योंकि आगे रिटेल में सेल करना है किसी को, तो नया से नया कलेक्शन हमेशा कस्टमर डिमांड, डेली कस्टमर जब रिटेल शॉप पे विजिट करे तो उसको कुछ नया दिखना चाहिए। हाँ जी। नहीं तो रिपीट नहीं होता है वो कस्टमर भी, आप शॉपकीपर को वो दिक्कत रहती है, वो अपने समझ के ही ये प्लानिंग से काम करते हैं। बिल्कुल सर, चलिए देखते हैं किस कलेक्शन आप दिखाने वाले हैं। सर अभी जो शादी भी आ रही है वो हिसाब से हमने ये बिल्कुल सर बहुत हैवी, मतलब कि इसमें प्लाजो साथ में होगा, प्लाजो साथ में दिया हुआ है थोड़ी देर, तो वर्क की जो क्वालिटियाँ होती हैं वो बहुत एनहेंस होंगी, बहुत ही फाइन नलकी के साथ सीक्वेंस वर्क है। यहाँ देखेंगे तो एप्लिक वर्क आएगा, कंट्रास्ट बॉटम आएगी जो ऑरेंज कलर, जो मतलब फैब्रिक भी रेयन होगा इसके साथ, फैब्रिक रेयन दिया हुआ है और नीचे तलक एक अच्छा डिसेंट पीस वर्क के साथ, मतलब क्रिएटिव पीस इसको कहते हैं, प्लाजो सेट इसको कह सकते हैं। प्लाजो सेट सर, और ये क्या हो गया, वर्क में हो गया, ये प्लीट्स भी दिया हुआ है इसमें। जी बिल्कुल बिल्कुल, और डिजाइनर पीस है पूरा सर, ऐसी तरीके से सर, जैसे कि स्लीवलेस है तो उसमें स्लीव इंक्लूड है, अटैच किया हुआ है अंदर से, मतलब आपको अंदर एक स्लीव्स मिल जाएंगे, हाफ स्लीव्स जनरली हाफ स्लीव मिल जाएगी। सर प्लाजो सेट भी बहुत अच्छा चल रहा है, तो इसमें भी 4 कलर मेरे पास अवेलेबल है प्लाजो। सबसे अच्छी बात तो सर इसमें यूनिकनेस ये होती है कि आपने प्लाजो लिया तो सेट वाइज होता है, तो उसमें कंफर्टेबल होता है, कुछ ये नहीं मैचिंग मैचिंग कहाँ से लेनी है सूट्स के लिए, कोई भी स्टिचिंग के प्रोसेस से सबसे बच जाती है कस्टमर, और रेडी टू वेयर होता है, आपने रेडी टू वेयर लेना है और और सिर्फ वेयर कर लेना है, और बॉटम से इसमें कॉटन आती है। हाँ सर, साइजिंग भी प्रॉपर रहेगा चार्ट के हिसाब से, साइजिंग चार्ट के हिसाब से, तो उनको वो भी दिक्कत नहीं रहेगा कि कुछ भी आगे फिटिंग के साथ, फिटिंग प्रॉपर आएगा सर इसमें। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देख लेते हैं, ओनली कुर्ती की भी बहुत ही अच्छी डिमांड रहती है, तो वो हिसाब से पूरा इसमें खाटली वर्क भी है और पूरा देखेंगे तो जरी का और धागे का वर्क इसमें आता है, टॉप डाइड रेयन है और इसमें ये चेक्स छोटी सी चेक्स दी हुई है, मतलब बारीक चेक महीन चेक इसको विविंग में ही हो गया सर, विविंग में शाइनिंग भी, मतलब देखेंगे तो स्मेल अच्छी सी आ रही है, कुछ अलग कंट्रास्टिंग फैब्रिक सॉफ्ट जिसे कहते हैं प्रीमियम फैब्रिक, ये भी एक हो गया सर, और उसमें भी टॉबी बेस्ड फैब्रिक है, टॉबी बेस्ड फैब्रिक आता है सर। सबसे अच्छी बात है हाईलाइटिंग वर्क है, एक लाइट वर्क है, जो एक बुटीक क्रिएशन जिसे कह सकते हैं, बुटीक सेलिंग कुर्तीज होंगी, ये भी प्रोडक्ट हो गया मेरा। बिल्कुल सर, अलग है कुछ बेबी कॉलर से जनरली कहते हैं शॉर्ट कॉलर आएंगे और अलग है, इसके साथ वर्क होगा, नॉट वर्क आएगा इसके साथ, और एक, भी एक ये हो गया। इसमें भी सर 5 डिजाइन है मेरे पास, डिफरेंट डिफरेंट, अभी यहाँ पे मैं 2 ही दिखा रहा हूँ, प्लस जो अपडेट जाएगा उसमें पूरा डिजाइन चला जाएगा सर। कॉटन में हो गया सर ये जी। सबसे अच्छी इस टाइप कॉन्सेप्ट बहुत कम देखने को मिल रहा है, लेकिन आप जैसे कि हर चीज का ख्याल रखा जाता है कि जिसको स्टाइप चाहिए और प्लेन चाहिए और अलग फैब्रिक्स चाहिए, तो सारे कॉम्बिनेशन मिल जाते। और सर अभी मैंने प्रिंट में ना सेल्फ वर्क डेवलप किया है। हाँ जी। सेल्फ यानी जो कप टोन टू टोन मैचिंग हो गया, तो वो बहुत ही अच्छा ट्रेंड में है सर। बिल्कुल सर, जैसे ये सोबर लुक हो गया, सोबर लुक होती है। सबसे अच्छी बात स्टिचिंग देखेंगे आप इसमें तो बहुत डेंस होगी, ऐसा नहीं कि छिदरी कढ़ाई जैसे कहते हैं ना, स्पेस दिख रहा है, प्रॉपर प्रॉपर स्टिच डाले हुए हैं इसमें। हाँ जी, बहुत ही प्यारा कलर है ये वाला सर, इसमें देखे सर कलर वाकई बहुत अच्छा लगता है, बहुत ही सोफियन है कलर। और आजकल सर गर्ल्स की चॉइस भी ऐसी होती है, थोड़ा डिफरेंट से हो, हाईलाइटिंग कलर्स भी हो और सोबरनेस के अंदर वर्क भी आप देखोगे तो सेल्फ वर्क बहुत ही प्यारा वर्क लग रहा है, जैसे फैब्रिक मल्टी है कलर, वैसे वर्क में भी मल्टी कलर लिए, सेम वही थीम यूज की गई है फैब्रिक के अकॉर्डिंग दिखाया, तो इसमें भी वही फैब्रिक के अकॉर्डिंग ही मतलब कलर यूज किए गए इसके साथ भी।
तो एक फाइन कलर कॉम्बिनेशन फैब्रिक की आप शॉप ने देखिए यही सर एक अच्छी चीज़ लगती है। पता कि व्यूअर्स ने भी नोट किया होगा कि फैब्रिक्स में क्वालिटी में एक सॉफ्टनेस एक ड्यूरेबिलिटी नजर आती है, ऐसा नहीं होगा कि आफ्टर वॉश में कोई इशू नहीं, कोई आफ्टर वॉश में कोई इशू नहीं रहेगा क्योंकि ये आफ्टर वॉश के बाद स्टिच होता है तो वो कोई भी वॉश प्री वॉश होता है जो यूज किया जाता है उसी तरीके से होते हैं। और हम लोग क्या है वैसे ब्रांड में भी बहुत ही अच्छा डील करते हैं, काम कर रहे हैं हम लोग, तो हमको पता है कि आगे अच्छे से अच्छी क्वालिटी क्या बना के देनी है। ब्रांड्स का नाम नहीं ले सकते, ऑप्शन होता है नहीं, वो नाम नहीं ले सकते, मगर हम लोग अच्छे बहुत ही अच्छे अच्छे ब्रांड से काम कर रहे हैं। बिल्कुल सर, जैसे कि आपके पास मुझे अपना लेबल लगवाना है किसी भी, मैंने आपसे क्वांटिटी लेना चाहता हूँ या मैं बल्क में लेना चाहता हूँ या अपना कोई स्टोर है तो आप उस चीज प्रोसेसर में ले आते हैं सर? देखिए मेरे रेडी स्टॉक में से परचेज करेंगे 200 प्लस की क्वांटिटी होगी तो भी मैं उन वो लेबल प्रोवाइड करवाएंगे कस्टमर, तो मैं उसमें भी उनको लेबल चेंज करके दे सकता हूँ विदाउट एनी कॉस्ट, उसमें ही आ जाएगा। और या तो वो फिर मेक टू ऑर्डर बनवाना चाहे मेरी कोई भी डिजाइन प्रोग्रामिंग से, तो उसमें जो टाइम पीरियड लगेगा उसके हिसाब से उनको प्रोसेसिंग टाइम तो सर होता है जो रीजनेबल बनता जो वो है 25 से 30 दिन का टाइम लगता है, बाकी रेडी स्टॉक में तो वो 2-3 दिन में लेबल चेंज होके उनको चले जाएंगे। बिल्कुल, कई बार अलग अलग जोन से आते हैं, इंडिया से आते हैं, इंडिया से बाहर से भी आते हैं और हर जगह का टेस्ट अलग होता है, कलर कॉम्बिनेशन थोड़ा सा अलग चॉइस हो जाती है, तो उस तरीके से मेक टू ऑर्डर भी आप बना देते हैं अगर कुछ अगर पर्टिकुलर डिजाइन लेके जाए अगर बल्क में कोई ऑर्डर देना चाहते हैं वैसे भी कर सकते हैं सर, वो भी चीज़ पॉसिबल। उनके भी समझ लो एरिया वाइज भी वो उनके पास भी सैम्पलिंग वो लोग बना रहे हो, उनका भी प्रोडक्ट करवाना है तो वो भी करवा के दे सकते हैं, प्लस वो कुछ गाइडलाइन करे तो वैसे डेवलपमेंट करके भी हम उनको दे सकते हैं। मतलब कि सब तरह मतलब कि चाहे फैब्रिकेटिंग पे कर लीजिए, सर हर तरह से फ्लेक्सिबल है जी, हाँ काम करने के लिए। बिल्कुल, ये कलर हो गया सर, बिल्कुल सर ये भी बहुत अच्छा सर कॉम्बिनेशन है, मतलब अच्छी क्रिएशंस वाली चीज़ें होती है सर, हमेशा ड्यूरेबल होती है। और कलर शेड्स भी देखें तो 4 कलर चार्ट्स में मिल जाएगा आपके पास। कलर अलग अलग बनाने का मेन मोटो ये है कि कस्टमर को जो भी अपने चॉइस मिल जाए, चॉइस मिल जाती है और प्लस क्या है अपने पास भी एक रेंज हो जाता है हर, आप जो बोल रहे हो ना कि एरिया वाइज, तो कोई एरिया में कोई कलर चलता है, कोई एरिया में कोई चलता है, तो हर किसी की अपनी जरूरत इससे पूरी कर सकते हैं। मतलब परफेक्शन के साथ चाहिए, मतलब कलर मैचिंग भी थीम जो यूज़ की गई है सेम उसी कॉन्सेप्ट के हिसाब से जैसे जैसे फैब्रिक का, ये भी बहुत ही बढ़िया डिजाइन है सर, फील ही इसका देखने में कुछ सिल्क जैसी लुक आ रही है, डबल टोनिंग की ये फैब्रिक है सर, मेरा खुद का ही डेवलप किया हुआ है सर, और इनर के साथ है, इनर के साथ इसके और इसमें भी सर 6 डिजाइन अवेलेबल है मेरे में, फुली पार्टी वेयर एक डिसेंट लुक नजर आ रही है, शादियों में जा सकते हैं वेयर करके कुछ। अभी एक डिजाइन दिखा रहा हूँ यहाँ पे, मगर ये वाली थीम में भी मेरे पास 6-6 जो भी मैं दिखा रहा हूँ ना उसमें 5-5, 6-6 डिजाइन हर चीज में मेरे पास अवेलेबल है सर। एक नया फैब्रिक ये रेट वाइज बहुत ही अच्छा फैब्रिक है सर, और उसमें भी देखें तो वही वर्क आएगा, वर्क की स्टैंडर्ड चीज़ें हैं पूरे, देखें तो प्लेट्स वर्क किया गया सर, प्लेट्स वर्क, और उसमें भी वही चीज़ कॉन्सेप्ट में आती है, मतलब ये सब बारीक बारीक वर्क होंगे, देखें तो बहुत अच्छा सा डिसेंट वर्क आता है इसमें। और जो जैसे कि बार इंटरनेशनली क्लाइंट्स होते हैं उनकी डिमांड भी इस तरह की होती है, लाइट वर्क हो, लाइट सोबर वर्क हो, सोबर वर्क ज़्यादा पसंद आता है क्योंकि ऐसे रेयन पे। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, ये प्रिंट भी अभी क्या डेली वेयर में बहुत ही अच्छा ट्रेंड में है, इसमें फॉइल के साथ प्रिंटिंग मिक्स, हाँ फॉइल के साथ प्रिंटिंग मिक्स है, और इसमें भी सर मेरे पास 25 से 30 डिजाइन अवेलेबल रहती है। हाँ जी, रेयन में और कॉटन फ्लेक्स में, और इसमें प्लाजो सेट आता है, प्लाजो सेट में भी मेरे पास 30 से 40 डिजाइन इसमें एनी टाइम अवेलेबल रहती है, तो मैं क्या हर चीज यहाँ पे नहीं दिखा पा रहा हूँ क्योंकि टाइम के वजह से। बिल्कुल सर, तो ऐसा इंट्रो होता है कि जिससे कस्टमर्स को एक आइडिया लगेगा कि हम क्या मेनली चीजें दिखा देते हैं अपने, बाकी जो भी उनको अपडेट जाएगा उसमें पूरी सब चीजें चली जाएगी, बिल्कुल न्यू अपडेट्स आप उसमें। और ये भी आपको सर जैकार्ड बेस्ड फैब्रिक दिखा रहा हूँ, जैकार्ड बेस्ड फैब्रिक होता है, सब चीजें वीविंग में होती है, फैब्रिक्स में होती है, ये भी देखेंगे तो ये भी जैकार्ड बेस है, ये भी जैकार्ड फैब्रिक आता है, और इसमें सर सब में साइड पॉकेट्स भी, जैसे साइड पॉकेट दिया हुआ है, साइड पॉकेट भी, और दोनों में सर 4-4 कलर अवेलेबल है दोनों डिजाइन में, और इसमें भी सर काफी डिजाइन है जैकार्ड बेस में मेरे पास जी, तो काफी अभी तो कलेक्शन है। और एक ये चीज भूल गया मैं दिखाना आपको, ये प्लाजो हो गया जी, मतलब प्लाजो में भी आप डील करते हैं। हाँ प्लाजो, जैसे कि आपने प्रिंट में दिखा रहे हैं या कुछ फाइल प्रिंट टाइप का वर्क है इसमें, तो आप जैसे प्लेन अगर चाहते हो प्लेन्स मिल जाता है सर मेरे पास, बॉटम वेयर में प्लाजो में प्लेन हो गया, फॉइल हो गया, प्रिंट हो गया, फिर क्रेप में भी मेरे पास प्लेन हो गया और फॉइलिंग और प्रिंटिंग में हो गया, और पैंट भी मैं बनाता हूँ, पेंसिल पैंट भी बनाता हूँ, और लेगीज में भी मेरे पास 20 कलर अवेलेबल है, यानी बॉटम वेयर की सर प्रॉपर पूरी रेंज मेरे पास अवेलेबल है, कहा जाए तो कुर्तीज और बॉटम्स के अंदर कंप्लीटली रेंज, कंप्लीटली रेंज मेरे पास अवेलेबल है, कस्टमर को एक बार जुड़े तो
उनको कहीं पे भी जाना नहीं पड़ेगा। बिल्कुल हाँ। सर आज के टाइम ऐसे कस्टमर भी चाहता है कि मैं एक जगह से परचेसिंग कर लूँ, मुझे ज़्यादा इधर डिस्टर्ब ना होना पड़े। अगर मैं कुर्ती लेगिंग का शोरूम में शॉप है तो मैं एक ही जगह से परचेस कर लूँ, चाहे कुर्ती चाहे लेगिंग से कोई भी। और सर मैंने चिकन का मेरा कलेक्शन है वो मैंने दिखाया नहीं, क्योंकि अगले वीडियो में मैंने दिखाया था। हाँ जी। तो जो चिकन की भी किसी की रिक्वायरमेंट हो, चिकन बहुत ही अच्छा चल रहा है मेरे, जो भी प्रोडक्ट बन रहा है चिकन में 8 से 10 प्रोडक्ट बन रही है, जैसे गोडाउन में आता है तुरंत आउट होता है स्टॉक में और कंटिन्यू रिपीट चल रहा है। तो जिनको चिकन की भी रिक्वायरमेंट हो, चिकन कुर्ती हो गया, चिकन गाउन हो गया और कॉटन में भी है, जॉर्जेट में भी है, तो वो जुड़े तो मैं उनको अपडेट भेजूंगा, क्योंकि वो भी बहुत ही अच्छा चल रहा है। मगर हर वीडियो में एक चीज नहीं दिखाऊंगा, मैं हर बार कुछ ना कुछ नया ही दिखाता हूँ इसके लिए। तो सर वो ये की मोस्ट वेलकम है आपके, सब आपको व्हाट्सएप पर कनेक्ट करना है, मैसेज करें जो भी अपडेट्स होंगे, जो भी कलेक्शन होगी आपको। हम सेल्स टीम के पूरे नंबर दिए हुए हैं इसमें और हमारे नंबर कॉर्पोरेट इंक्वायरी में दिए हुए हैं, जो होलसेलर हो या कॉर्पोरेट इंक्वायरी हो तो हमें कॉन्टेक्ट करें, और नॉर्मली शॉपकीपर हो या सेल्स हो, घर से जो सेल्स करते हैं वो हमारी सेल्स टीम से कोऑर्डिनेट करें, तो उनको पूरा प्रॉपर हमारा स्टॉक अपडेट मिल जाएगा और गाइडेंस भी मिल जाएगा, और कोई भी दिक्कत है तो वो कस्टमर हमको भी कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। बिल्कुल, मतलब हर तरीके आफ्टर सेल्स भी पूरी मतलब सुविधा दी जाएगी। हाँ, आफ्टर सेल्स भी कुछ भी उनको दिक्कत रहा, हमारी सेल्स टीम से प्रॉपर आंसर नहीं मिल रहा, बहुत ही मैच्योर है हमारी सेल्स टीम, मगर उनसे भी प्रॉपर आंसर नहीं मिल रहा तो हमसे कोऑर्डिनेट करके उनका हम कुछ सब सॉल्यूशन निकालेंगे। सर बहुत अच्छा लगा सर, आपने हमने कितने समय दिया, बाकी एकदम लेटेस्ट आपने कलेक्शन।